फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे प्रोटीन और विटामिन से भरपूर स्वादिष्ट मूंग दाल के लड्डू। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले ये मूंग दाल के लड्डू हम यहाँ गुड़ से बनाएंगे और बहुत ही कम घी का यूज करेंगे। तो आइए ये टेस्टी और हेल्दी मूंग दाल के लड्डू की रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। मूंग दाल के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पीली वाली मूंग की दाल ली है। इस दाल को हम अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे और इसे पानी साइड पर निकाल कर इसे ड्राई करेंगे। तो यहाँ दाल को ड्राई करने के लिए मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है और उस पर दाल इस तरह से फैलाकर हल्का सा रब कर लेंगे और इस तरह दाल को ड्राई करके हम एक साइड पर निकाल कर रख लेंगे। यहाँ पैन गरम करेंगे। पैन गरम होने पर जो धुली हुई मूंग की दाल है वो हम इसमें डालेंगे और इसे लो फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे। 10 से 12 मिनट का समय लगेगा दाल का कलर चेंज होने में। ये देखिए, इस तरह की जो दाल है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगी और उसमें से सिकने की अच्छी खुशबू आने लगेगी। इस स्टेज पर हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और दाल को ठंडा होने देंगे। अब हम मिक्सर जार लेंगे और उसमें 50 ग्राम बादाम डालेंगे और यहाँ पर बादाम का पाउडर तैयार कर लेंगे इस तरह से। बादाम का पाउडर प्रोटीन से भरपूर होता है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब जो मूंग की दाल ली थी उसे भी हम मिक्सर जार में डालेंगे और उसे भी पीस कर कोरस पाउडर हम यहाँ मूंग की दाल का तैयार करेंगे इस तरह से और इसे साइड पे रख लेंगे। और सेम उसी पैन में हम 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे और जो हमने मूंग दाल का पाउडर तैयार किया था वो घी गर्म होने पर डालकर उसे लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर होने तक हम इसे रोस्ट करेंगे। 6 से 7 मिनट का समय लगेगा और ये मूंग दाल हमारी अच्छे से सिक जाएगी। तो इस स्टेज पर हमने जो बादाम का पाउडर तैयार किया था वो ऐड करेंगे और उसे भी लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए इस मिश्रण को रोस्ट कर लेंगे। मिश्रण में से अच्छी सिकने की खुशबू आने लगेगी और इसका जो कलर है वो भी इस तरह का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो हम गैस का फ्लेम बंद कर इस मिश्रण को ठंडा होने देंगे। मिश्रण ठंडा हो चुका है तो हम इसे मिक्सर जार में डालेंगे और 1 कप गुड़ डालेंगे। हमने 1 कप दाल ली थी तो उसी कप से हम 1 कप गुड़ लेंगे बारीक कटा हुआ, यही रेशो रखेंगे। और 1 चम्मच घी डालकर इस मिश्रण को हम बारीक फाइन पाउडर तैयार करेंगे जिससे लड्डुओं का बाइंडिंग अच्छे से आ सके। इस तरह से लड्डू का बाइंडिंग आना चाहिए और इस मिश्रण को हम बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम यहाँ 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। यहाँ मैंने काजू, बादाम और पिस्ता लिए हैं। आप आपके मनपसंद ड्राई फ्रूट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच गरम किया हुआ घी ऐड करेंगे और इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम घी ऐड करने से लड्डुओं में अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हम दोनों हाथों की मदद से ये मूंग दाल के लड्डू हम तैयार करेंगे। अगर आपके लड्डू अच्छे से बाइंड नहीं हो रहे हैं तो आप यहाँ 2 चम्मच घी का गरम कर डाल सकते हैं और इस तरह से लड्डू हमारे बनकर तैयार हैं। तो आप मेरे इन स्वादिष्ट मूंग दाल की लड्डू की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए और मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।